हेलो फ्रेंड्स, हाय अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा मॉर्निंग का सारा जो भी काम था वो ख़त्म हो गया है और अभी जस्ट मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो आज लंच में ना मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। और चलिए मैं बता देती हूँ, आज मैं लंच में ना मसाला ओट्स बनाने जा रही हूँ। और आज इसी व्लॉग में आपको जो मार्केट से आप मसाला ओट्स का जो इंस्टेंट मसाला ओट्स लाते हैं, तो वही रेसिपी आज मैं इस पे अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। और आप जैसे मार्केट से मसाला ओट्स लेके आते हैं, मैं बिल्कुल वैसा मार्केट जैसा ही आपको इंस्टेंट मसाला ओट मिक्स घर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं देख लेती हूँ कि मैं उसमें ना एक्चुअली बहुत सारे वेजिटेबल्स भी यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास अभी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो आप उसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा ही, जैसा आप मार्केट से जो रेडीमिक्स लेके आते हैं ना, बिल्कुल सेम उसमें वैसा ही टेस्ट आता है। बट एक्चुअली मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, तो काफ़ी टाइम बाद मेरा ये खुद का रिसर्च है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये इंस्टेंट मसाला ओट्स मिक्स कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ना जो भी फ्रिज में मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थे वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास जो अभी ये सीजनल जो ये हरे हरे मटर जो या हरे चने भी आप इनको कह सकते हैं, वो मुझे किसी ने दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसका टेस्ट जो है ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और ये ना सीजनल होते हैं, ये शायद मुझे लगता है गर्मियों में ही आते होंगे। तो मुझे ये किसी ने दिए थे तो मैंने इसको भी साथ में ऐड कर लिया। तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ बीन्स और ये एक थोड़ी सी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी या जो भी आपके पास सब्जियां हैं, आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्नस भी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पर कॉर्नस और मशरूम यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास अवेलेबल है बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं अभी खाली इसमें सिर्फ वेजिटेबल ही आज यूज़ करूँगी। तो मैं फटाफट से इनको क्लीन करके वॉश कर लेती हूँ।
यहाँ पर आपको मसाला ओट्स मिक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मिक्सर जार की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको ये एक कप सफोला के प्लेन ओट्स आपको लेने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसमें आप होल ग्रेन ओट्स भी ले सकते हैं। ये मैंने प्लेन ओट्स लिए हैं, तो मैं इसको मिक्सर में इसको डाल दूंगी और साथ में फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और याद रखिए आपको इसको ज़्यादा नहीं, इसको बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, इसको हल्का सा आपको दरदरा ही रखना है। और यहाँ पर ये देखिए मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, आपको इसको बिल्कुल दरदरा ही पीसना है, आपको एक या दो बार ही इसको पीसना है, ज़्यादा नहीं। और आपको इसमें हल्के हल्के से ना ये ऐसे पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देने चाहिए, आपको इतना ही इसको पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका ना ये मिक्स आपका रेडी है। आप इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना एक कप पानी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे अभी सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से इसको कुक करना है। इसको मुझे हाफ़ कुक मैं नहीं करूँगी, मैं इसको फुल्ली कुक करूँगी। तो उसके बाद ये ओट्स को आप जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें ज़रा टाइम नहीं लगेगा, इसको हार्डली 2-3 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। बट जो भी आपको टाइम लगेगा वो सब्जियों को आपको अच्छे से इसको पकाने में ही टाइम लगेगा। तो अभी देखिए मैं अच्छे से सारी सब्जियाँ इसको वॉश करके जो भी इसमें हैं वो सब मैं पैन में डाल देती हूँ। और ओट्स के साथ में ना सैलड में मैंने यहाँ पे एक खीरा ही रखा है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा सैलड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी वेजिटेबल मैंने ऐड किया है। बट खीरा इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है जब साथ में इसके, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट करके रख लिया है। और ये देखिए सब्जियाँ अच्छे से ना अभी उबल रही हैं, तो साथ में ना अभी मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ। तो एक्चुअली कोई आया था तो इसलिए मुझे अभी फटाफट से यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और मैं अपने कमिंग व्लॉग में ना आपको उनसे मिलवाऊंगी। और ये देखिए अभी मेरी चाय बस बन रही है। और अभी यहाँ मेरी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं, तो जो मैंने इसमें ओट्स को अच्छे से ग्राइंड करके रखा था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैंने इसमें 2 ग्लास पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं इसको ढक कर के रख दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा देखें यहाँ पे हरा धनिया इसमें मैं ऐड करूंगी, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और बस 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे ये बनके रेडी हो जाएंगे। और अभी आपको ये बहुत ज़्यादा ना सूपी टाइप से लग रहे होंगे, बट ये ना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, और बहुत ही ना जैसे आप सूप आप पीते होंगे तो आपको वैसे सूप जैसी कंसिस्टेंसी इसकी, इसको 2 मिनट बाद आप चेक करेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा। और अभी देखिए मेरे मसाला ओट्स बनके एकदम रेडी हैं, और जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको माउथ में ना जो एक हल्का सा सॉल्टी और बहुत ही लाइट सा मसाले का टेस्ट आएगा, और साथ में जो वेजिटेबल का क्रंच होगा, तो वो आपको ना एक अल्टीमेट लेवल पर ले जाएगा, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें देखिए 1 टेबल स्पून देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये खाने में रियली बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पर आपको बाजार जैसा इंस्टेंट मिक्स बनाने के लिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले प्लेन ओट्स लेके उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और आपको उसको दरदरा ही पीसना है। फिर आप उसको एक कंटेनर में भर के रख दीजिए, उसमें आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसमें आप हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और आप उसमें धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला मिक्स करके आप उसमें रख सकते हैं। तो जब भी आपको बनाना होगा तो आप उसमें पानी के साथ उसको ऐड कीजिए और आपका इंस्टेंट मसाला ओट्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैं अभी लंच कर चुकी हूँ और आज मुझे मार्केट जाना था, पास ही में मैं एक लोकल मार्केट जाऊँगी, तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। और मैं अभी यहाँ पर अपने घर के पास मेन रोड पर आ चुकी हूँ और आप मेरे पीछे ना यहाँ पर देखिए कुछ ना ये फ्लावर्स थे, तो मेरे सामने ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं और मुझे ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मेरा मन किया मैं इनको भी अपने व्लॉग में ना शूट कर लेती हूँ, तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मैं अभी देखिए यहाँ रिलायंस ट्रेंड में आ जाई हूँ और ये मेरे घर के पास लोकल मार्केट में ही है और मुझे यहाँ से देख मैं सोच रही थी कि कुछ शायद मुझे पसंद आ जाए। तो अभी मैं कुछ बस देख रही हूँ शायद कुछ पसंद आ जाए, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर और काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था। एक्चुअली अभी ना समर्स का काफ़ी कलेक्शन आ गया है। और मैं मार्केट से जो लेने आई थी वो मैं ले चुकी हूँ और अभी यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है, एक्चुअली यहाँ का ना समोसा बहुत ही फेमस है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा मैं समोसा तो यहाँ से ज़रूर पैक कराती हूँ। तो अभी बस मैं वो अपना ऑर्डर का वेट कर रही थी और मिलती हूँ मैं आपसे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।